एसी इंस्टॉलेशन के पूरे रूल देख सकते हैं। एसी इंस्टॉलेशन को इतना आइटम होना चाहिए। ये देखिए R22 गैस है, ये R32 गैस है, वो 410 गैस है, ये भूटान है, ये गैस है, क्या ब्रीदिंग टॉर्च का गैस है, LPG ये लगा के ब्रीदिंग करने का रहता है इसमें, और ब्रीदिंग करने का रॉड ये है, ये ब्रीदिंग रॉड बोलते हैं। इसके बाद अपने को देखो एम्प मीटर है, करंट चेक करने का स्प्रिंग कॉपर पाइप को जैसा बोले वैसे बेंड करने में स्प्रिंग बेंडर है, ये अंदर से जाता है स्प्रिंग बेंडर, और ये स्प्रिंग बेंडर है जो बाहर से करने का रहता है, ये अंदर से कर सकते, ये बाहर से कर सकते। ये क्या है कि नहीं 12 नंबर का एंकर बोल्ट का बिट है, और ये नंबर 6 नंबर का बिट है ये, और ये टीपाना है, ये टीपाना, और ये आउटडोर के लिए टीपाने का है, ये 14-15 पाना है, ये स्क्रू पाना है जो भी नट्टा टाइट करने के रहते हैं। ये देखो हमने को मैक्सिमम 3-4 साइज के नट की जरूरत पड़ता। ये देखो 5/8 का है, ये हाफ इंच है, ये 3/8 है, और ये क्वार्टर है, 1/4 बोलते क्वार्टर बोलते हो, हाफ इंच बोले तो 1/2, ये 3 हाफ इंच 1/2, ये 3/8 है, ये 5/8 है। ये हमारा बिल बुक है गैस चढ़ाने के लिए, 3 वेरायटी का रहता है, एक बड़ा वाला गैस का क्या कि नहीं R22 गैस के लिए यूज़ होता, और ये R32 410 के लिए थोड़ा वॉल बढ़ा रहता, एक कटिंग प्लेयर नॉर्थ प्लेयर है, जैक खराब हुए थे, एक कैपेसिटर है इसका, और पाइपिंग को हम लोग नट बढ़ा के फ्लेयरिंग करने के लिए ये फ्लेयरिंग टूल यूज़ करते, और ये नट बड़ा करने के लिए ये यूज़ होता। ये ट्यूब कटने का ट्यूब कटर है, ये एंकर बोल्ट है, ड्रेन पाइप है। इतने तो मेन इंपॉर्टेंट सामान है पूरे टोटल ओवरऑल।